आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? चले फिर आज करते हैं कुछ नया। चलो क्या लोगे? चाय पी लेते हैं और साथ में कुछ ले लेते हैं। दो चाय बोल लेते हैं। चाय जरा दो चाय कर देना। अच्छा चाय आ गई। थैंक यू। लीजिए आप भी लीजिए। चाय अच्छी बनाते हैं। हाँ, यहाँ तो पूरे मोहन में इनकी फेमस है चाय। अच्छा, जो भी आता है सभी पीते हैं। चाय बढ़िया बनाते हो तुम। शुक्रिया भाई साहब। चाय तो बढ़िया बनाई थी आजम भाई। हाँ, वैसे यहाँ पर अब एक काम करते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 12:20 हो गए, अब चलना चाहिए आगे। चलो है ना, चलते हैं फिर। ठीक है, फिर टाइम हो जाएगा। हेलो मैम। हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली हमारा एक यूट्यूब ब्लॉग है। ओके सर। SFSW नेचर लवर्स के नाम से। ओके। SFSW स्टैंड फॉर सेव फॉरेस्ट सेव वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर करते हैं। ओके सर। तो आज जो मेरा कंटेंट है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड जो वन गुजर यहाँ पर रहते हैं। जी सर। वन गुजर्स की क्या लाइफ होती है, वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं जंगल में, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, सुबह कब उठते हैं, शाम को कब सोते हैं, दिन भर में क्या खाते हैं, और उनके पानी का स्रोत क्या होता है, और उनके यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या है। हमारे यहाँ शहर में जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी होती है तो बेसिकली हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर वो लोग वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो हम आज इस ब्लॉग के थ्रू पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। ओके सर। इसी बीच मैंने ये देखा कि उनका एजुकेशन का लाइफ स्टाइल क्या है, तो रास्ते में मेरे को ये स्कूल दिखा है, प्राथमिक वन विद्यालय सोड़ी नगर मोहन। जी सर। तो मैम आप यहाँ पर किस पोस्ट पर हैं? सर मैं यहाँ पे दैनिक सहायक अध्यापक हूँ। okay. और मेरा नाम रेनू है। ओके okay. हाँ जी सर, मैं अभी यहाँ पे 6 मंथ पहले ही अपॉइंट की गई हूँ। ओके ओके। हाँ जी, वन विभाग की तरफ से। अच्छा, वन विभाग। जी सर। उत्तर प्रदेश जो मोहन रेंज। हाँ जी सर। okay, तो सर ये स्कूल वन विभाग के अंडर आता है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। okay. और यहाँ पे गुज्जर के बच्चे पढ़ते हैं और ये SC कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। ओके ओके। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी सर। तो आप कहाँ से आते हैं? सर मैं यहीं पास के गांव से गणेशपुर से हूँ। अच्छा, गणेशपुर से। हाँ जी सर। ओके वेल। तो यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन जो बेस है वो कैसा है, मतलब उनका जो IQ लेवल है वो कैसा है? सर यहाँ पर ना छोटे बच्चे आते हैं। अच्छा। ठीक है सर, प्राथमिक वन विद्यालय है। हाँ, ये। हाँ जी। तो सर ये गांव से बच्चे आते हैं और क्या बोलते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगाते। हाँ जी, गाँव से आते हैं। ठीक है। और जो मतलब 5वीं से पास कर जाते हैं बच्चे। हाँ जी। वो गणेशपुर में जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और गांव भी मतलब काफी दूर है स्कूल से, बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी कभी आते भी नहीं है डर की वजह से, क्योंकि जंगली जानवर का काफी खतरा रहता खतरा है, होता है। हाँ जी। और आप स्कूल की हालत देख सकते हैं कैसी है, ना चार दीवारी है, ना पानी की सुविधा है, ना टॉयलेट है, पानी हम घर से लाते हैं, बच्चे भी घर से पानी लाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ फॉरवर्ड करें और इन फ्यूचर यहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए। जी सर। ओके, तो आपका कीमती समय लेने के लिए माफी चाहूंगा। कोई आपको बात थोड़ा डिस्टर्ब किया है। नहीं नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, पाए हैं। उसके लिए धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत ही विशाल वृक्ष, और क्योंकि फरवरी का मौसम है तो पतझड़ हो रखी है, अभी पूरा सूखा पड़ा है। और ये रास्ता आ रहा है मोहन से, ये है वन चौकी और ये है पूरा घना जंगल। ये रास्ता जा रहा है वन गुजर के डेरे तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? सब बढ़िया।
आपको देखा, आप रास्ते से आ रहे थे, हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे, तो ये पूरा जंगल है। जंगल है। और आपको डर नहीं लगता? वह है कि जंगलों में हाथियों में रहना पड़ा क्या? हाथी तो काफी है यहाँ पर। बहुत है। और गुलदार भी होगा? है तो है, पर दिखता तो नहीं है, तो बहुत है। अच्छा है, बहुत। कभी दिखा आपको? हाँ दिखता, पर रात को जंगल में पशु पशु पड़ता फिर। तो आपको मतलब डर नहीं लगता? वो रहना पड़ा मजबूरी के। मजबूरी है आपका काम है। तो आपका डेरा है आगे कहीं पर? ऊपर थोड़ा। कितना ऊपर जाकर है? 4-5 किलोमीटर। अच्छा 4-5 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो रास्ता है ये बहुत ही घने जंगल से होता हुआ अंदर जाता है। यहाँ पर एक तालाब भी है और देखिए चारों तरफ घना जंगल है। इस जंगल में सबसे ज्यादा हाथियों का खतरा होता है क्योंकि ये एकदम राजा जी टाइगर रिजर्व से मिला हुआ है और अक्सर हाथी सब क्रॉस करके इधर ही आते हैं। यहाँ पर एक वन गुजर का डेरा मिला है, ये देखो ऊपर। तो यहाँ पर मिला है हमें एक वन गुजर का डेरा जहाँ इनके मवेशी भी बंधे हुए हैं। और हाँ दूध निकाल रहे हो? निकालो निकालो। तो अभी हम हैं मोहंड से लगभग 5 से 6 किलोमीटर जंगल के अंदर वन गुजर के एक डेरे पर जहाँ हमें एक परिवार मिला है। तो हम इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ये छोटा बच्चा हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करे, पढ़ाई करता। पढ़ाई करते हो? कहाँ पढ़ते हो आप? यही पढ़ता है, हाफिज जी रखा। अच्छा हाफिज जी रखे हुए हैं, उनसे पढ़ते हो आप? हाफिज साहब है कोई? बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं, बैठते हैं आपके डेरे पर। आपके अब्बू है यहाँ पर? मेरे दादा। दादा है ये? चलो आपके दादा से मिलते हैं। चलो आहा क्या मीठा पानी है, जंगल का ताजा एकदम। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। दोस्तों ये है भैंस का असली दूध। अब जो शहर में बिक रहा है ना पैकेट वाला या डेयरी वाला, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये एकदम फ्रेश, देखो सामने निकाल रहे हैं, और बिल्कुल एकदम प्योर दूध है। आपका जो ये दूध है आप बाजार में सप्लाई करते हो? करते हैं। करते हो? तो आपका यहाँ से क्या रुपए लीटर जाता है? भाई 40 रुपए ले जाते हैं अपने। 40-50 रुपए लीटर चला जाता है। और वहाँ पे ले जाके फिर वो ओरिजिनल थोड़ी बेचते होंगे, पानी मिलाते होंगे? नहीं असली ले जाते अपने के लिए। वो तो असली ले जाते होंगे। अच्छा ये जो बेचने के लिए ले जाते हैं डेयरी वाले, वो नहीं ले जाते आपसे? तो कहीं पानी भी मिला लेते हैं, कहीं कुछ मिला लेते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ। अच्छा हम तो आम नहीं पानी मिलाते। आप नहीं मिलाते? वो मुझे पता है। ठीक है दोस्तों ये है देखो धार का दूध, इसको धार का दूध बोलते हैं। डायरेक्ट जो भैंस के थन से डायरेक्ट आता है धार का दूध। और देखो कितना गाढ़ा दूध है, ये देखो इसमें मलाई भी बहुत बढ़िया आएगी। क्यों बढ़िया आएगी? बढ़िया। और आपके जो डंगर है मवेशी है ये सब क्या खाते हैं? एक पत्ते खाते हैं, भूसा खाते हैं, पराली खाते हैं। अच्छा मतलब सब कुछ बढ़िया? हाँ बढ़िया खाएगा, जो जड़ी बूटियां जंगल की बेहतरीन है ना। जी जी वो चली गई, ये देखो पीछे कुछ खा रही है। तो ये इन्होंने दिया है, ये खल चोकर दिया है। हाँ खल चोकर है ना ये? हाँ खल चोकर है। अच्छा लस्सी पी लो यार। अच्छा हाँ आ जाओ। और अच्छी बात है लस्सी मिल गई। आहा भाई क्या डेरा बनाया हुआ है, मजा आ गया देखकर। खाला अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम बैठे हुए हैं मुस्तफा भाई के डेरे पर। तो मुस्तफा भाई की 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। ये मुस्तफा भाई की अहलिया है, इनकी वाइफ है। आपका क्या नाम है बता दे? बानो। बानो आपका नाम है? बानो। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। तो ये सब घर का काम सब आप करती है? हाँ। आपकी जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी? हाँ, शादी हो। बहुत बढ़िया। तो आप ये घर का सारा काम आप करती? हाँ, आप ही करती। तो आप सुबह को कब उठती है? 2 बजे सुबह फजर के वक्त?
5-6 बजे हाँ 5-6 बजे उठ जाती है आप। उसके बाद दिन में सोते हो? हाँ दिन को सोते हैं, काम करते करते घास लाते हैं। अच्छा आप मतलब घास वास लाते हो? ओके, तो ये है हमारे मुस्तफा भाई की वाइफ, थोड़ी शाय है ये, ज्यादा बोल नहीं पा रही है और बीमार रही है ये बेचारी। क्या हो गया था आपको? कमर में दर्द है। तो ये है हमारे मुस्तफा भाई जी। मुस्तफा भाई आपको इस डेरे पर कितना समय हो गया है? 15-20 साल। 15-20 साल आपका, कितनी उम्र होगी आपकी? 40 के लगभग। 40 के आसपास है, मेरी भी 38 है, मतलब आप मेरे से 2-4 साल ही बड़े होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा ये बताइए आपकी, आपका डेरा मतलब यही है, आप आते जाते रहते हैं? मैंने देखा है गुजर अक्सर ना इधर से उधर उधर से। हाँ कभी कभी यहाँ है, कभी नदी में, कभी कहीं है, बस ऐसे ही है। बस कभी पहाड़ में चले जाते हैं, कभी नीचे रह जाते हैं, कभी पहाड़ में चले जाते हैं। जो रोजमर्रा का होता है राशन पानी कहाँ से लाते हो? मोहन से लाते हैं। मोहन से लाते हो? मोहन तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी है? बिहारीगढ़ से लाते हो? अरे कहाँ गाड़ी, पीठ में उठा के लाना पड़ता है। वहाँ से गाड़ी में लाए गैर तक, तो गैर से उठा के यहाँ पहुँचाते जी। जुमे के लिए हम बिहारीगढ़ में जाते हैं, वहाँ से सामान, जुमा होता है ना, वहाँ से बिहारीगढ़ में, फिर जुमे से वहाँ से सामान लेकर यहाँ पहुँचता हूँ। अच्छा जी, जो वहाँ बिहारीगढ़ में पीठ लगती है? हाँ जी जी, इतवार को। हाँ वहाँ से जुमे वाले दिन जी, जुमे वाले दिन बिहारीगढ़ में पीठ लगती है। हाँ जी, वहाँ से सामान लाते हैं, आ गए यहाँ तक, वहाँ से मोहंड आ गए जी, हाँ बाहर बैरियर पे। हाँ जी, वहाँ से पैदल लाते हो? वहाँ से यहाँ पैदल लाते हैं। रास्ते में तो पूरा जंगल है वो? हाँ पूरा जंगल है, तो जंगल से पैदल लाते हो? पैदल लाते हैं। बड़ी हिम्मत का काम है आपका, मतलब क्या करेंगे भाई, शहर के लोग नहीं चल सकते इतना? हमारे वो ज्यादा परेशानी है, क्या करें, शहर के लोग इतना नहीं चल सकते। और मेरे ख्याल से यही वजह है माशाल्लाह जो आप लोग इतने सेहतमंद हैं मुकाबले शहर वाले लोगों। हाँ जी। और पानी वानी का कैसे होता है? पानी भी लाते है, बस भर के लाते, उठा के चोया वगैरह होता होगा जो है ना स्रोत पानी के, नेचुरल जंगल के अंदर जो होते हैं, या बरसात में तो गंदा पानी आता है उसमें, फिर दूसरी जगह में निकालना पड़ता है, कहीं और से दूसरा बनाना पड़ता है। और आपके यहाँ हमने अक्सर सुना है कि हमारे यहाँ तो शहर में खैर एक आम सा रिवाज बन गया है, हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं तो औरतों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जी जी जी। आपके यहाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए देते हैं। नॉर्मल होती है डिलीवरी, ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन भी करते हैं, ऐसे भी हो जाता है। हमने ये सुना है कि आपके यहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ता, यहीं पे हो जाता है? नहीं नहीं, कोई हो जाता है, कोई नहीं भी होता। अच्छा ऐसे कोई हो जाता है, कोई नहीं होता, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है? हाँ हॉस्पिटल भी मिल जाता है। अच्छा, अभी मेरी बच्ची के पास बच्चा हुआ था। अच्छा, पर के साल में 15,000 रुपए दे दिया हुआ, नॉर्मल हुआ था। हाँ माशाल्लाह। तो अच्छा चलिए ये हो गया। और हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर लाइट कुछ नहीं है? लाइट नहीं है? तो हमारे यहाँ तो ये होता है शहर में औरतों को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, नई नई चीजों की डिमांड करती है, बोलती है हमें मिक्सी ला के दो। पहले सिलबट्टे में पीस लिया करते थे ना, अब बोलती है मिक्सी ला दो जी, इसपे होता नहीं, कमर दुख जाती है, पीट दुख जाती है, कंधे दुख जाते हैं। तो आपके यहाँ कैसे पीसते हैं मसाला भाई? सिलबट्टा? सिलबट्टा तो गाइस अभी भी सिलबट्टे पे पीसते हैं यहाँ पर। जी जी, अमाम जिस्ता होता है वो ठक ठक ठक। ओके अच्छा, लाइट नहीं है और फ्रिज सामान कैसे रखते हो? सड़ता नहीं सामान अगले दिन, खराब नहीं होता? भाई ऐसे कट्टो कुट्टो में डाल के बाप परेशानी है, ज्यादा रखते ही रखने को पड़ता है, आप क्या करेंगे? मतलब आप लोग ज्यादातर यही होता होगा, ताजा बनाते होंगे इसमें, अगले दिन तो खाते नहीं होंगे आज का। हाँ जी, आज का बनाया, आज ही खा लिया। हाँ बस थोड़ा ही बनाया, थोड़ा खा लिया बस। बहुत बढ़िया। और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ तो आजकल वो चल रहा है माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है जी जी, उससे मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है आजकल बहुत इजाद हो गई है, लेकिन उस चीज का नुकसान भी काफी है। जी जी जी, जो सादगी में मजा है वो किसी और चीज में जी, जी जी है ना। आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया पे या बहुत सारी जगहों पर ये बताया जा रहा है कि भाई वन गुजरों को बाहर करो। नहीं कहाँ कर दो, बाहर तो मतलब वन गुजरों को क्या मजा आता है जंगल में रहने में? क्या मजा, वो मुश्किल का मजा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतनी मुश्किल यहाँ पे लाइफ जी रहे हो, तो आपको शौक तो नहीं चढ़ रहा है इस लाइफ को जीने का? नहीं, आपका भी मन करता होगा बेहतरीन लाइफ जैसे शहर में जीते हैं, उस हमारी नजर में वो बेहतरीन है, क्योंकि हमें जो है ना सुकून का मजा, सुकून में वो हम ढूंढते हैं, थोड़ा सहूलियतें ढूंढते हैं। सहूलियत तो मैं ये कह रहा हूँ, हम लोगों को उस चीज में सुकून दिखता है, जबकि वो सुकून की जिंदगी नहीं है, नहीं है ना, बीमारी ज्यादा है ना, पर हमें दिखता है ऐसा।
बल्कि ये वाली लाइफ ज्यादा बढ़िया है जो आप जी रहे हो। आपको ये मुश्किल लगती है पर ये मुश्किल तो है, मुश्किल तो बहुत, हाँ मुश्किल तो बहुत है। तो ये जो आपका लाइफ स्टाइल है यहाँ पर रोजमर्रा की जो दिनचर्या है आपकी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों को लगता है कि वन गुजर जंगल में पड़े हैं, जी जी कुछ नहीं, आपका कोई फायदा हो रहा है नहीं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर शहर का आदमी दो दिन यहाँ रहेगा ना जी जी, तो उसको अकल ठिकाने आ जाएगी, मुश्किल होता है, अकल ठिकाने आ जाएगी, जी जी अकल ठिकाने आ जाएगी। और बाकी जंगली जानवरों से खतरा? बस वो खा भी जाते हैं, रह भी जाती है। अच्छा, आपने यहाँ पे गुलदार वगैरह देखा है? टाइगर गुलदार बाघ बगीरा वगैरह पूरे पत्थर पूरे पर बतेरे देखे जाते बेचारे। कभी ऐसा हुआ आपका मवेशी उठा के ले गया मार दिया? कहीं कुछ नहीं दिया जंगलात ने, कुछ नहीं दिया। और बाकी खतरा तो बने ही रहते हैं, सांप वहाँ भी आ जाते होंगे? अरे आ जाता है, आग वो जलाते हैं, बस आग जला देते हैं, उससे सांप करीब नहीं आता। हाँ करीब भी नहीं आता जंगल। अच्छा, जैसे आप लोग सोते हो रात को यहाँ बिस्तर में, तो क्योंकि ये तो पूरा जंगल है जी जी, तो सांप तो कहीं भी आ सकता है, यहाँ चढ़ते हैं खाट पे भी आ सकता है जी जी, आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है जी, आ जाता है। अच्छा जी जी, बड़ी मुश्किल है भाई लाइफ स्टाइल। हमारे यहाँ अगर एक छिपकली भी दिख जाती है ना औरतों को, चीखे मार देती है जी जी, एक छिपकली, जबकि वो कुछ नहीं कहती, चाय पी लो, हमें भगाना पड़ता है उसको। थोड़ी चाय पी लो। चाय शुक्रिया बहुत बहुत, आप पीजिए चाय। थोड़ी, थोड़ी, चाय थोड़ी, वो मट्ठा पी लेंगे, अभी पिया नहीं मैंने, वो पी लूंगा मैं थोड़ी देर में। तो ठीक है, ठीक है ठीक है, आपका समय लिया मैंने, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे मिलके। वाह भाई वाह, ताजे और प्योर दूध की चाय डेरे पर लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत ही लजीज बेहतरीन, मजा आ गया। दोस्तों जंगल का बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और यहाँ पर बिछी है खाट, दूर दूर तक जंगल नज़र आ रहा है और मुस्तफ़ा भाई ने दिया है मट्ठा, बहुत ही बेहतरीन ताज़ा फ्रेश मट्ठा एकदम। गाइस गुजर के डेरे पे ताज़ा ताज़ा मट्ठा, जिसको बोलते हैं लस्सी, लस्सी बोलते हैं यहाँ पर, है ना लस्सी। तो मुस्तफ़ा भाई ने लस्सी दी है पीने के लिए, लस्सी का इंजॉय करते हैं अब। वाह भाई बहुत बढ़िया, सुकून मिल रहा है यहाँ पर। क्या लस्सी है भाई, मजा आ गया पी के। हाथी तो आ जाता होगा यहाँ पर? हाथी तो आ जाते हैं। तो कैसे बचते हो? हाथी आते ऊपर चढ़ जाता है, इधर डेरे तक ऊपर चढ़ जाता है? नहीं डेरे तक बड़ी जगह उतारा, भगाते होंगे उसको। हाँ। लाइट वाइट दिखा के थोड़ा है, भाग जाता है हल्ला करके थोड़ा। हाँ आग जला चला जाता है। अच्छा हाँ, आग जलानी पड़ती होगी, ये तो है। बाकी बाघ वगैरह तो मुश्किल से आता होगा इधर, और हिरने वगैरह तो घूमती रहती होंगी यहाँ तो बहुत ही जंगल में। हाँ चीतल सांबर नीलगाय मोर ये तो खूब होंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ बैठे हुए थे और क्योंकि वो पीछे पूरा जंगल है, जंगल तो ये पूरा है, अभी हम जहाँ पर हैं ये पूरा ये डेरा जंगल के बीच में ही है, मगर वो सामने वाला जो जंगल है अभी वहाँ से सांभर की या चीतल की कॉल हुई है, कुछ भी हो सकता है, या तो सांभर होगा या चीतल होगी, अभी कॉल हुई है वहाँ से। एक दो घूंट पानी पिलवा दो बस। गला सूख रहा है। हाँ पी लो एक दो घूंट पानी ले लो पानी। यहाँ जो सुकून मिल रहा है शहर में नहीं मिलता, यहाँ की जो आबो हवा है एकदम ताजा, और धूप भी खिल रही है आज, मार्च का मौसम है, हल्की सी गर्मी है धूप में पर अच्छा लग रहा है। ये मवेशी सब चल रहे हैं आपके, ये आप ही गए सारे? नहीं तो मेरे जंगल नहीं है। अच्छा वो भैंसे आपकी है? दस बारह भैंसे। अच्छा दस बारह भैंसे आपके पास, ठीक है। गाइस आप कभी भी व्लॉग बना रहे हो ना, वीडियो शूट कर रहे हो, तो अपने पास एटलीस्ट दो माइक रखो, दो बैटरी रखो किसी भी चीज की, क्योंकि नहीं शुक्रिया बस आप पियो। इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, इस वाले की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा लाया था तो अब मेरे काम आ गया, अब ये इससे यूज कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है चल रहा है अभी। अब्दुल्ला भाई उस पेड़ पे ना ट्री मैगपाई बोल रही है, बर्ड होती है एक। अच्छा ट्री मैगपाई उस पेड़ पे बोल रही है। तो गाइज ये था गुजर का डेरा, जहां पर हमने
डेढ़ दो घंटा स्पेंड किया है, इनके साथ बातें की हैं, कुछ सवाल जवाब किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। इनका लाइफ स्टाइल बहुत मुश्किल होता है, ये तो अभी खैर हमने पूछा है इनसे, इन्होंने हमें बताया है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी यहाँ पर आएंगे और प्रॉपर उस लाइफ को स्पेंड करके जाएंगे यहाँ पर, मतलब एक दो दिन यहीं रहेंगे और देखेंगे इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ खाएंगे, और जिस तरह ये लकड़ियाँ काटने या पत्ते लेने के लिए जाते हैं, मवेशियों को चराने जाते हैं, वो सब कुछ करेंगे हम, और नेक्स्ट व्लॉग में इस चीज़ को अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, लेते हैं इनसे अलविदा, और अभी आगे इन्होंने बताया हमें दो चार डेरे और हैं, तो थोड़ा सा उनको भी कवर करते हैं और यहाँ का जो थोड़ा सा जंगल है वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। भाई लिटरली बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों ओर जंगल है और नदी बह रही है। देखो अब्दुल्ला भाई पानी है उधर नदी में, चलें? ओके। ये देखो यहाँ पर कितने पग मार्क्स हैं, देखो हिरन के पग मार्क्स हैं यहाँ पर, सांबर, चीतल, नीलगाय सब। पत्थर देखो कितना खूबसूरत है ये, क्यों पानी आता होगा ना, कटाव हो गया इस पर, एकदम पीला हो रहा है, क्या जबरदस्त पत्थर है ना, वाह। अरे वाह नीचे देखो कितने पग मार्क्स हैं, दलदली चिकनी मिट्टी है ना ये, ओए होए क्या नदी बह रही है, क्या शांति है भाई जंगल की, नेचुरल बिल्कुल, वाह मजा आ गया, ओए होए। आ जाओ इधर से उतरेंगे, इधर स्पेस है काफी। हाँ हाँ ये जगह है देखो उतरने की, काफी ठीक है। मिट्टी काफी चिकनी है ये, अरे वाह पानी बह रहा है गाइस, वाओ वाओ क्या शांति है, पानी की आवाज आ रही है कितनी बढ़िया। गाइस यहीं पे सब वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए आते होंगे, और देखो गुजरों ने ना अपने कपड़े सामने फैलाए हुए हैं धूप में, यहीं पर कपड़े धोते होंगे और ये सामने सब कपड़े फैलाए हुए हैं, धूप लग रही है तो वो सूख जाएंगे। भाई बहुत ही मुश्किल लाइफस्टाइल होता है गुजरों का, और हम लोग तो बहुत तरह तरह की फैसिलिटी उठा रहे हैं शहर के बीच में, पर ये लोग तो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहे हैं। अनगिनत मछलियाँ घूम रही हैं, अनगिनत, कोई काउंटिंग नहीं है। तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं एक चट्टान के ऊपर, बहुत अच्छी धूप पड़ रही है यहाँ पर, और हमारे सामने बह रही है एक नदी, ये देखिए, और नदी के अंदर अनगिनत मछलियाँ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर साइज़ की मछलियाँ हैं। देखो बहुत सारी फिशेज आ गई है, अभी दिखाता हूँ मैं। बहुत सारी फिशेज है गाइस, गाइस ये जो मोमेंट्स है ना, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ। वो देखो बर्ड कैसे गई, वाह अभी फिर आएगी, और मुझे लग रहा है ये बर्ड ना फिश खा रही है। अब्दुल्ला भाई कैसा महसूस कर रहे हो? बस जो इंसान बहुत पैसा खर्च करके मेडिटेशन के लिए जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह में जाता है, वो हम नेचुरली यहाँ पे महसूस कर रहे हैं खुद ही, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर, नेचर है, हरे पेड़ पौधे हैं, नदी है, इतनी सारी मछलियाँ घूम रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और कहीं जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। भाई 100% सही बात कही अब्दुल्ला भाई ने, जो लोग लाखों रुपया खर्च करने के बाद सुकून तलाश करते हैं ना, उन लोगों को ऐसी जगहों पर आना चाहिए, और जो सुकून उनको यहाँ मिलेगा वो दुनिया के किसी और जगह नहीं मिलेगा। चले अब्दुल्ला भाई। चलो तो गाइज अभी बच चुके हैं दोपहर के 3, और क्योंकि अभी 4 बजे तक शॉप पर भी पहुँचना है, तो अब निकलते हैं यहाँ से।
ये वाला रास्ता भी बढ़िया है गाइस। अभी हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं बाहर निकलने के लिए। लंटाना है, दोनों साइड लंटाना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फोटो आ गया। तो भाई यहाँ में मिल गए हैं गुजर भाई। क्या नाम है आपका? शैन अली। शैन अली, आपको बाहर जाना है, मोहन जाएंगे? नहीं सर, गेट तक। अच्छा, गेट तक जाएंगे। तो गाइज इनको जाना है गेट तक, तो इनको छोड़ते हैं वहाँ तक। लिफ्ट दिया है हमने। गाइज हमारी गाड़ी के आगे आगे लोमड़ी भाग रही थी और अभी वो जंगल में घुस चुकी है, काफ़ी दूर थी। देखते हैं, हो सकता है दिख जाए। अब तो निकल गई होगी अंदर, क्यों यहाँ से घुसी थी कि आगे से? यहाँ से घुसी थी, हो सकता है। ये रही, ये हमारे पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है हमारे। गाइस भाग गई, देखो भाग गई, उधर उधर भाग गई। अच्छा जी, चलते हैं फिर, मिलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं हम भी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देहरादून और अब अब्दुल्ला भाई जा रहे हैं अपने घर। चलिए अब्दुल्ला भाई चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे सीन कोई बढ़िया सा। चलिए ओके।